स्किंक स्फेनोमॉर्फस डुसुमियरी एक प्रकार की छिपकली होती है और यह सिंसिडे परिवार से संबंधित है। स्किंक की विभिन्न विशेषताओं को समझाने के लिए हम कुछ शोध पत्रों और वैज्ञानिक अध्ययन का सहारा लेंगे। यहां उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दी जा रही हैं। एक, भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। स्किंक की शारीरिक संरचना अन्य छिपकलियों से थोड़ी अलग होती है। उनमें लंबी, पतली और अक्सर चिकनी त्वचा होती है। उनके पैर छोटे और कभी कभी अनुपस्थित होते हैं, जिससे वे सांप जैसे दिख सकते हैं। उदाहरण, नील पब्लिकेशंस के अध्ययन के अनुसार स्किंक की प्रजातियां जैसे कि चेलसाइड्स में छोटी टांगें होती हैं, जिससे वे मृदभूमि में आसानी से रेंग सकते हैं। दो, जीवन क्षेत्र, हैबिटेट। स्किंक विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं, जिसमें रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। वे अक्सर उन स्थानों को पसंद करते हैं जहां छिपने की अच्छी व्यवस्था हो, जैसे कि पत्थरों के नीचे या मिट्टी। उदाहरण, एक अध्ययन में पाया गया कि भारतीय स्किंक यूट्रोपाइस कारिनाटा प्रमुख रूप से घास के मैदान और मानव बस्तियों के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वे कीड़ों और छोटे आर्थ्रोपोड्स को अपना आहार बनाते हैं। 3, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। स्किंक अंडों से पैदा होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां जीव जनन विवीपेरस भी होती हैं, जिसका मतलब है कि वे जीवित बच्चे पैदा करती हैं। उदाहरण, एक अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई स्किंक सुडीमोया ऑन्ट्रेकास्टोसाई अपने बच्चों को जीवित जन्म देती है, जो ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए एक अनुकूलन है। 4, आहार, डाइट। स्किंक सर्वाहारी होते हैं, लेकिन अधिकांश प्रजातियां मुख्य रूप से कीट भक्षी होती हैं। वे विभिन्न प्रकार के कीड़े, छोटे कृमि और अन्य आर्थ्रोपोड्स खाते हैं। उदाहरण, जर्नल ऑफ हर्पेटोलॉजी में प्रकाशित एक शोध पत्र में पाया गया कि टिलिक्वा रुगोसा प्रजाति के स्किंक विभिन्न प्रकार के पौधों और कीड़ों को अपना भोजन बनाते हैं, जो उनके सर्वाहारी व्यवहार को दर्शाता है। 5, स्वरक्षा, सेल्फ डिफेंस। स्किंक की कई प्रजातियां अपनी पूंछ गिराने ऑटोटोमी में सक्षम होती हैं, जिससे वे शिकारियों से बच सकती हैं। उनकी पूंछ समय के साथ पुनः उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण, प्लेस्टियोडॉन फासियाटस प्रजाति की स्किंक अपनी पूंछ को गिराकर शिकारियों से बच निकलती है। यह प्रक्रिया ऑटोटॉमी कहलाती है और यह विशेषता विशेष रूप से तब काम आती है जब शिकारी स्किंक को उसकी पूंछ से पकड़ता है। 6, अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी। स्किंक ने विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूलित किया है। उनकी जीवन शैली और शरीर संरचना ने उन्हें विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाया है। उदाहरण, एक अध्ययन में पाया गया कि अफ्रीकी रेगिस्तानी स्किंक सिंकस के शरीर की बनावट उन्हें बालू में बहुत तेजी से और आसानी से सरकने में मदद करती है, जो उनके अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। इन शोध पत्रों और वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि स्किंक की विशेषताएं उनकी शारीरिक संरचना, जीवन क्षेत्र, प्रजनन, आहार, स्वरक्षा और अनुकूलन क्षमता में भिन्नता के साथ आती हैं। ये गुण उन्हें विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा हमारी हौसला फजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।